नमस्कार प्रणाम। और मैं गुलशन सोनी आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत करता हूं। और आज मैं श्याम स्कूल में मौजूद हूं। श्याम स्कूल को मेरा वंदन अभिनंदन। और श्याम स्कूल की बात की जाए तो इन्होंने हमेशा भादरा को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया देने का प्रयास किया है। और आज की अगर बात करें और आज मेरे आने के विषय की बात करें तो इन्होंने जिले में सर्वाधिक 26 बच्चों को मेरिट में ये लेके आए। 90% से ऊपर इन बच्चों के अंक आए। ये लंबी कतार आप बच्चों की देख पा रहे होंगे। आज हमने बच्चों से बातचीत करने के लिए हम विशेष रूप से स्कूल में पधारे हैं। और आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चों का हौसला बढ़ सके। और एक तरीके से इन बच्चों से जानेंगे, क्योंकि जो 11th में जो बच्चे हैं वो अक्सर जानना चाहते हैं कि जो 12th में जिन बच्चों ने टॉप किया है वो किस तरीके की पढ़ाई करते हैं, किस विषय में किस तरीके से तैयारी की जाती है और स्कूल उन बच्चों को किस तरीके से तैयारी करवाता है। तो आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हम आपको बच्चों से मिला देते हैं। क्या नाम है सर आपका? अनिल। अनिल, कितने परसेंट आए आपके? 93.40। 93। किसको आप इसका श्रेय देना चाहेंगे? सर मेरे जितने भी गुरुजन है उनको। गुरुजनों को आप श्रेय देंगे? अरविंद सर, भागीरथ सर, सुनील जांगिड़ सर, सुनील चावलिया सर। क्या क्या सपना है आपका, क्या बनना चाहते हैं आप? सर नीट की तैयारी कर रहा हूँ। इस बार आपने एग्जाम दिया नीट का? नो सर, अगली बार दूँ। अगली बार तक। किस विषय में आपकी तैयारी सबसे अच्छी थी? सर वैसे तो सभी में अच्छी थी, लेकिन केमिस्ट्री में अच्छी तैयारी थी। केमिस्ट्री में अच्छी तैयारी थी। क्या क्या संदेश देंगे आपके हम उम्र साथी आपको, 11th के बच्चे, 12th के बच्चे, 10th के बच्चे आपको देख रहे होंगे? बस जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको ही घर पे जाके एक बार रिवाइज कर लो, और जो एग्जाम नियर आए तो अपनी पढ़ाई को थोड़ा और टाइम दे। शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम है? गजानंद सर। गजानंद, कितने नंबर हैं आपके? 92.80। 92। क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों को? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बनना सपना है आपका? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर नीट की यानी आप तैयारी करेंगे? तैयारी इस बार एग्जाम दिया आपने नीट? नहीं, अगली बार तैयारी करेंगे। किस तरीके की आपने तैयारी की? और स्कूल की बात करें, स्कूल ने आपको किस तरीके की तैयारी कराई होगी शानदार रिजल्ट के लिए? स्कूल में सभी टीचर्स ने अच्छा सहयोग दिया है और अच्छा अनुशासन है यहाँ पे, और स्कूल के साथ साथ कॉलेज में भी अच्छा है। और सभी टीचर्स को और फैमिली को मेरा सहयोग रहे। श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? फैमिली को और टीचर्स को ही। बस टीचर्स को देना चाहेंगे। शुभकामनाएं आपको। और हमारे साथ यहाँ पे देख सकते हैं अधिकतर बच्चियां भी है और इस बार लड़कों ने भी बाजी मारी है। तो अब तमाम लोगों के मध्य इन बच्चों को हम लेके आएंगे और किस तरीके की इनकी तैयारियां थी और आपका काम जो है वो शेयर करने का। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हम स्कूल मैनेजमेंट से और जो टीचर्स थे उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? अनु जांगिड़। अनु जांगिड़, कितने नंबर आए? 92.6। क्या क्या बनना चाहते हैं आप? सिविल सर्विसेज में जाना है। सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। देश की सेवा करेंगे यानी आप? तैयारियां शुरू कर दी आपसे? हाँ, अभी ग्रेजुएशन के साथ 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 आप करेंगे। क्या कहेंगे अपने रिजल्ट के बारे में? जब एग्जाम हुए और जब एकदम अचानक शायद रात्रि को रिजल्ट आया होगा या आपने देखा होगा, आपने सूचना मिली होगी, क्या क्या भाव थे आपके परिवार के आपके जब रिजल्ट देख रहे थे? खुशी थी। रिजल्ट देखने के बाद कैसा लगा? आपके माता पिता ने क्या कहा रिजल्ट के बारे में? सभी ने अच्छा बताया और आगे और बढ़िया करने के लिए प्रोत्साहित किया। इतना शानदार आपका रिजल्ट आया, आपके 92% से ऊपर नंबर आए हैं, किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? सभी स्कूल में स्टाफ को और मेरे फैमिली के जो वातावरण है उसको। फैमिली को आप देना चाहेंगे। किस तरीके की आप पढ़ाई करते थे, कितने घंटे पढ़ते थे और स्कूल में किस तरीके की तैयारियां होती थी? स्कूल में बहुत अच्छी तैयारी होती थी, मतलब रिवीजन भी हुआ था दो तीन बार और घर पे भी 3-4 घंटे पढ़ाई। घर पे भी आप 3-4 घंटे रोज पढ़ते थे। आपका क्या नाम है? नसीब बहली। क्या? नसीब बहली। क्या क्या कितने नंबर है आपके? 92.6। 92.6। जिस दिन परिणाम आया, यानी एक दो दिन पहले परिणाम आया था, शाम को जब आपने परिणाम देखा, कैसा कैसा लगा घर वालों को आपको, क्या रिएक्शन था आपका? बहुत अच्छा था। कितने नंबर एक्सपेंशन किए थे आपने, यानी आपकी उम्मीद से ज्यादा आए या कम आए? ज्यादा ही, वो पूरे ही आए। पूरे आए जितने आपने सोचे थे। क्या सपना आपका, क्या बनना चाहेंगे आप? डॉक्टर बनना चाहते हैं। स्कूल में किस तरीके की तैयारियां थी? क्योंकि बात की जाए तो सबसे ज्यादा सहयोग स्कूल का रहता है, बच्चे बता रहे टीचर्स ने बढ़िया किया। किस विषय में आपकी तैयारी थी और स्कूल की तरफ से किस तरीके की तैयारियां करवाई गई? बहुत अच्छी तैयारियां थी, मतलब टाइम पर प्रीबोर्ड्स हो रहे थे, डिवीजन भी अच्छा हुआ था। और तैयारी मेरी सबसे अच्छी फिजिक्स में थी। फिजिक्स में आपकी सबसे बड़ी तैयारी थी। आपका क्या नाम है? मुस्कान। कितने परसेंट आए? 92.40। 92.40। क्या बनना चाहेंगे आप? डॉक्टर। डॉक्टर,
किसको श्रेय देंगे इस शानदार रिजल्ट का, क्योंकि एक तरीके से 92% अपने आप में बड़े स्कूल के स्टाफ को और मेरे पेरेंट्स को। पेरेंट्स को किस विषय में सबसे अच्छी तैयारी थी? बायोलॉजी एंड फिजिक्स। और कितने नंबर आए दोनों में? बायोलॉजी में 98, फिजिक्स में 94। किस विषय में कम रह गया नंबर आपको? इंग्लिश में। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपके नंबर कम रह गए। तो आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर करें। आप देख पा रहे हैं एक लंबी कतार है इन बच्चों की, क्योंकि ये लंबी कतार विद्यालय के शानदार मैनेजमेंट अनुशासन से खड़ी हुई है आज। और इस कतार की अगर बात करें तो इस कतार से हम जानेंगे कि 90% से ऊपर अंक लाने का क्या सूत्र है। आपका क्या नाम है? सचिन प्रदापत नाम। सचिन, कितने परसेंट आए आप? 92.40। 92। कितने एक्सपेंशन किए थे आपने? एक्सपेक्ट तो सर इतने किए थे, अच्छे ही आए हैं नंबर तो। अच्छे आए हैं, उम्मीद से ज्यादा आए या कम आए? नहीं, इतने ही सोचे थे, इतने आ गए। इतने सोचे? घर वालों ने क्या कहा नंबरों के लिए? घर वाले तो ऐसे बोलते हैं कि ठीक है, इतने आए हैं, इतने आएंगे, और क्या, और भी ज्यादा अच्छे आ सकते। घर वालों ने ज्यादा उम्मीद की थी या उम्मीद जैसे लड़कों से की जाती है वैसे की थी? वैसे की थी, हम लड़के ऐसे ही होती है उम्मीद। तो वैसे उम्मीद की थी कि मुश्किल लग रहा काम। किस सब्जेक्ट में सबसे अच्छी तैयारी? सर फिजिक्स में अच्छी थी। और सर मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे सर का करूंगा, अरविंद सर और केसरी सर का, इन्होंने डोर थामे रखी। सर कौन से अरविंद केसरी सर? ये सर, ये है अरविंद सर, ये अरविंद। अरविंद सर से पहले तो बात करेंगे, क्या बना सपना आपका? सपना तो सर इंजीनियर बनने का है, जेई की तैयारी कर रहा हूँ। घर वाले क्या कर रहे हैं तैयारी? घर वाले बोल रहे हैं ठीक है, हो जाएगा, देखते हैं। तो आप देख सकते हैं घर वालों को लड़कों से कम ही उम्मीद रहती है, किंतु उम्मीदों पे खरे उतरे हमारे साथ अरविंद सर से। हम अरविंद सर, आप अरविंद सर से हम बातचीत करेंगे। सर बच्चा आपको श्रेय दे रहा है, इस बच्चे के बारे में और ये लंबी कतार सर आज आपने इस रिजल्ट की लगा दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? सर सभी को मैं अब हमारे श्याम स्कूल के इस अच्छे रिजल्ट के लिए सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और सभी बच्चों का, उनके माँ बाप का, और सबसे ज़्यादा मैं सर अमरनाथ जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इन्होंने हमें क्या कि एक स्टेज प्रोवाइड किया, और ये कहा कि हाँ भी आप इन बच्चों को क्या ये जो कि कांच के पत्थर है इनको क्या हीरे जैसा आपको तराशना है, तो हमने कोशिश की और उसके अंदर काफ़ी हम क्या सक्षम भी हुए। तो ये है कि बच्चों की मेहनत है सर, बाकी तो ये है कि ये अच्छी बात है कि बच्चे हमारे रिस्पेक्ट करते हैं और हमारा काम मेहनत करवाना, और स्कूल का डेकोरम हमें ऐसा है कि हम प्रॉपरली क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, उसके बाद में हमने 3-3 बार बच्चों को रिवाइज भी करवाया, और सबसे अच्छा ये है कि बच्चों के साथ क्या है कि एक गार्जियन के साथ साथ में माँ बाप के साथ साथ में उनके साथ में क्या है कि एक फ्रेंडली बिहेव भी हमने रखा, जिससे बच्चा प्रॉब्लम अपने पास लेके आए तो वो क्या झिझके ने। तैयारियां सर किस तरीके की करवाते थे, टेस्ट वगैरह? और क्योंकि बच्चे अक्सर बच्चों ने टेस्ट के लिए टेस्ट सर रेगुलर टेस्ट, जैसे वीकली टेस्ट हो गया, और उसके बाद में हमने 4-5 बार प्री बोर्ड भी ले लिए, और उसके इसके लिए मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सर ने हमें प्रॉपर टाइम भी दिया, एक्स्ट्रा क्लासेस भी हमने लगवाई, तो उसलिए मैं मैनेजमेंट को, अमरनाथ सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ हमारा क्या कि कंधे पर हाथ उन्होंने रखा, और हमने के बच्चों को अच्छा क्या कि तैयारी करवाई। आपका क्या नाम है? फिजिक्स पढ़ाता हूँ सर। फिजिक्स कैसी सर बच्चों की तैयारी थी, और जिस दिन परिणाम आया, यानी 1-2 दिन पहले शाम को परिणाम आया, तब आपके क्या अभाव? सर बच्चों से ज्यादा तो हमसे एक्साइटेड थे कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, हमने उनको पढ़ाया है तो इसके अकॉर्डिंग लगा सर, हाँ, बच्चों ने जलवा बिखेर दिया है और इतना शानदार जिसका परिणाम खोला आपने वो 90 से ऊपर ही निकला है सर, तब कैसा लगा सर? तब बहुत मतलब एक्साइटेड फील हुआ सर, जैसे बच्चों ने गए तो बच्चों का बड़प्पन हमें रिस्पेक्ट देते हैं, और इनके जैसे हम क्लास में लेक्चर लेते थे ना, तो जस्ट उसके बाद जैसे क्लास खत्म हुई तो आजकल ऑप्शनल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो बच्चों के ज्यादा चांस होते हैं कि ऑप्शनल क्वेश्चन के अंदर कट जाए, कम से कम नंबर आए, तो उसके लिए एकदम प्रिपेयर तरीके से अलग सिस्टम स्टार्ट किया था, जैसे क्लास स्टार्ट खत्म होती थी उसका हम एक टेस्ट सीरीज बनाते थे जिसके अंदर ऑप्शनल क्वेश्चन थे 10 से 20 क्वेश्चन, वो हम बच्चों को देते थे, वो डेली का प्रैक्टिस था, उसके अंदर अकॉर्डिंग बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी हुई है सर। शुभकामनाएं सर आपको, और बच्चों से भी बातचीत करेंगे, और अहम भूमिका इन अध्यापकों की रही है, इनसे हमने बातचीत की। आपका क्या नाम है? सोएब। कितने परसेंट आए? 92.2। कैसा लग रहा है 92 प्राप्त करके? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बनना चाहेंगे आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोनों का सेम एक बैचमेट हो गया दोनों? और साथ में दोनों के, आपने दोनों ने बात की जब आपका परिणाम आया कि मेरे इतने नंबर बने हैं, तेरे कितने बने हैं, या आपस में रिजल्ट देखा आपने, इनका देख लिया, इन्होंने इनका देख लिया, देखा, किसको श्रेय देंगे आप? मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को। कैसा स्कूल में माहौल था? और गुरुजी बता रहे हैं कि हमने लगातार बच्चों से ज्यादा हमने मेहनत की इनके लिए। बहुत बढ़िया माहौल था, और हम टीचर हमेशा सहयोग करते थे, और फिजिक्स में बहुत बढ़िया सर थे, केसरी सर और अरविंद सर। और स्कूल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? संजू।
संजू कितने परसेंट आए यहाँ पे? 92. किसको आप इसका श्रेय देना चाहेंगे? अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को. कैसी आपकी तैयारी थी एग्जाम को लेकर? बहुत अच्छी थी सर. अच्छी थी. किस विषय में आपको लगा कि इस विषय में मेरे कम आ सकते हैं? यानी जब पेपर दे के आते हैं तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि हम आके मिलान करते हैं कि कितने सही हैं कितने गलत हैं. इंग्लिश में लगे थे. हिंदी अंग्रेजी कंपलसरी सब्जेक्ट में. हाँ. और पीसीएम में आपके टॉप आए. हाँ. घर वालों ने क्या कहा आपके? अक्सर माता जी लड़कियों से बातचीत करती है, जब परिणाम आपने देखा, आपने घर वालों को बताया या किसी और ने आपको बताया, तब क्या माहौल था घर का? घर का सर कुछ नहीं, ऐसे बैठी थी, सामने सर का फोन आया था, रिजल्ट आ गया, मुझे पता ही नहीं था. फिर क्या आपने देखा बाग के रिजल्ट? हाँ, साइट नहीं खुली होगी, आप क्या देख रहे थे? हाँ, बाद में देखा था. स्कूल के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि स्कूल की बात की जाए तो स्कूल में अक्सर स्कूल के माहौल पर डिपेंड होता है परिणाम, आप क्या कहेंगे? स्कूल का सर परिणाम बहुत अच्छा, सर ने अच्छी तैयारी करवाई थी और हमारे टीचर्स में नीस सर को सर ने बहुत अच्छा दिया. हमने सुना है आपके मैथ में 100 में से 100 नंबर आए. हाँ. ऐसा क्या लिख के आए थे 100 में से 100? आपका कोई गलती नहीं कर पाया, आपको चैलेंज नहीं कर पाया कोई? मैंने तो उन्होंने पूछा था, वही लिख के आ गई. तैयारी कैसी थी आपकी मैथ? तैयारी तो दिख ही रहा है कि नंबर ही नहीं काट पाया सामने वाला. मैंने तैयारी बहुत अच्छी की थी, मुझे पता था मैथ में तो कोई नंबर काट ही नहीं सकता मेरी, इतना कॉन्फिडेंस था. क्या बनना चाहेंगे आप? टीचर बनना चाहूंगी. टीचर बनना चाहते हैं? और किसको श्रेय देंगे, क्योंकि मैथ में 100 में से 100 नंबर आना अपने आप में एक उपलब्धि है? मनीष सर को देंगे सर. मनीष सर कौन से है? मैथ में 100 में से 100 वालों से बात कर लेते हैं. सर ऐसा क्या पढ़ाया है कि सामने वाला आपको चैलेंज नहीं कर पाया? नहीं सर, ये तो बच्चों की मेहनत है सर. बस टीचर तो यही होता है कि सर भाई बच्चों को एक प्यार कर सकता है, हेल्प कर सकता है. टीचर का काम सिर्फ इतना होता है कि बच्चों को सही राय दिखाए. और सर वैसे बच्चे की मेहनत है, जब ये 11th में जब इसने एडमिशन लिया था तभी सर मुझे लगा था ये बच्ची कुछ कर सकती है, और मैंने सर मेरा एफर्ट दिया और बच्चे ने खुद मेहनत की है, जो जिसका परिणाम आपके सामने. मैथ वाले अक्सर एक्साइट मिलते हैं रिजल्ट को लेकर. हमने और भी टीचरों से बात की है, जिस दिन परिणाम आया और आपको पता चला आपके विषय में 100 में से 100 नंबर आए हैं, तब कैसा महसूस? अंदर से नाचने का मन हुआ सर? अंदर से सर खुशी तो होती है, अभी जो हमने पूरे साल मेहनत की है अभी उसका फल मिल गया, और बच्चों की मेहनत रंग लाई सर, ये सबसे बड़ी खुशी है. सर आपको किसने बताया कि इस बच्चे के 100 में से 100? सर मेरे पास गुरुजी का फोन आया था. गुरुजी ने बताया कि सर रिजल्ट आ चुका है, बच्चों का बढ़िया रिजल्ट रहे. हमारे स्कूल में जो 3 स्टूडेंट है उनके 100 में से 100 आए हैं, जिसमें सबसे पहले संजू आती है, उसके बाद एक देवेंद्र नाम का लड़का है और एक कृष्ण नाम का लड़का है. आपने सर उस दिन खाना ही नहीं खाया होगा? सर उस समय पहले खा चुका था. पहले खा लिया, पेट आपका भी खुशी से भर गया. फिर बाद में सर खुशी से, ये मान लो पूरी रात खुशी से थी. खुशी से आप एकदम झूम रहे थे सर? जी सर एकदम. और बच्चे हमारे साथ है और 100 में से 100 इनका परिणाम आया है, इनके लिए आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि 3 बच्चों के 100 में से 100 नंबर आना एक तरीके से उपलब्धि है. और आप देख पा रहे हैं, और क्या नाम आपका? अभिराज सिंह. अभिराज सिंह जी कितने नंबर आए आपके? 91.60. कैसा लगा आपका, आपको परिणाम देखकर, क्योंकि आपने तैयारियां की होगी जिस कारण आपका ऐसा परिणाम आया है? बहुत अच्छा लगा. अच्छा लगा. किस तरीके की तैयारी थी आपकी? अच्छी थी तैयारी. अच्छी तैयारी थी. किसको श्रेय देंगे? स्कूल स्टाफ और पेरेंट्स को. क्या बनना चाहते हैं आप? एग्रीकल्चर ऑफिसर. एग्रीकल्चर ऑफिसर. आप एग्रीकल्चर से थे? यस सर. और आपका क्या नाम है? ध्रुव. ध्रुव कितने परसेंट आए? 91.4. किसको श्रेय देंगे इसका? मैं अपने अरविंद सर, केशकिशोर और मोहित सर को. इन्होंने हमें मोहित सर से भी बात करेंगे. मोहित सर यहाँ आ रहे. और आपसे स्कूल का किस तरीके का माहौल था? स्कूल में बहुत अच्छा माहौल था. अच्छा माहौल था, उसी में आप पढ़ पाए. इन्होंने हमें पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका बताया. मोहित सर से हम बात करेंगे. और मोहित सर आप देख पा रहे हैं ये भी एक्साइटेड थे अपने रिजल्ट को लेकर. कैसा लग रहा है सर आज बच्चे आपको श्रेय दे रहे हैं, क्योंकि आपकी एक साल की मेहनत का आज आपको परिणाम देखने को मिला है? बहुत अच्छा लग रहा है सर. रिजल्ट नहीं आया था तब तक नर्वस थे, जब आया तो एक्साइटमेंट बूस्ट हो गई. और बच्चों का, हमें फाइटर स्टूडेंट चाहिए थे, फाइटर स्पिरिट थी इन बच्चों के अंदर. हमने इन पे मेहनत की, इन्होंने उस रिजल्ट के रूप में हमें फल दे दिया. बहुत अच्छा लगा. कैसा लगा जिस दिन रिजल्ट आया? रिजल्ट आया उस दिन मैंने तो फिजिक्स के देखे, फिर सबका देखा रिजल्ट, केमिस्ट्री सबका, तो ऑल ओवर रिजल्ट पीसीएम पीसीबी सब के अंदर बहुत अच्छे. नहीं आई थी सर, क्योंकि पूरे साल का नर्वसनेस था, एक दिन में दूर हो गया. आपका क्या नाम है? रोहन. रोहन क्या बनना चाहते हैं आप? एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्चर. आप कितने परसेंट आए आपसे? 91.2. किसको श्रेय देंगे और कैसा लग रहा है? मैं स्कूल स्टाफ और अपने पेरेंट्स को श्रेय देना चाहता, स्पेशली भागीरथ सर. भागीरथ सर को. भागीरथ सर कौन से? भागीरथ सर से बात करेंगे. और भागीरथ जी भी हमारे साथ मौजूद है. सर बच्चे आज श्रेय दे रहे हैं, और एक टीचर के लिए इससे बड़ा गर्व का विषय कोई नहीं हो सकता, और इनके लिए भी नहीं हो सकता, क्योंकि आज इनका ये परिणाम मिला. सबसे पहले तो मैं श्री श्याम सीनियर सेकेंडरी स्कूल और इनमें पढ़ने वाले सभी बच्चों को और सभी स्टाफ के सभी साथियों को बधाई देता हूँ कि हमारी इतनी बड़ी फौज तैयार की है. इसमें मेरा अकेले का रोल नहीं है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, इसमें एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री भी लगती है, बायोलॉजी भी लगती है,
और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी लगती है, हिंदी इंग्लिश भी लगती है। तो मैंने इन बच्चों को इस प्रकार से मोटिवेट किया कि आपका एक सबसे बड़ा फील्ड है एग्रीकल्चर के अंदर, स्कोप अच्छे हैं और एग्रीकल्चर की बायोलॉजी में हैंडल करता हूँ। तो इनको कहा कि आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। तो मैंने इनको एक विशेष पारितोषिक देने के लिए इनको कहा कि 100 में से 100 जो नंबर लाएगा उनको मैं मेरी ओर से 2100 रुपये दूंगा। तो इस प्रकार से इनमें एक कॉम्पिटिशन की भावना पैदा की थी और उनके 99 नंबर आए इन बायोलॉजी के अंदर। तो इनको 2100 नंबर एक नंबर की कमी रख दी, 100 रुपए कम दे देंगे वो बात अलग है, लेकिन इस प्रकार से एक मोटिवेशन दे करके बच्चों को अगर कंपटीशन की भावना तैयार की जाए तो बच्चा अपने आप एक दूसरे का कंपटीशन करेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, प्रतिस्पर्धा बच्चे को अपने आप आगे बढ़ाती है। और कड़ूराम जी सियाग भी यहाँ पहुंचे, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? निकिता सोनी जी, कितने नंबर आए आपके? 91% आए हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने परिणाम के बारे में? मैं तो अपने परिणाम का श्रेय मेरे पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहती हूँ, स्पेशली कौशल सर को, उन्होंने हमें मोटिवेट किया था पढ़ने के लिए। कौशल सर किस विषय के? फिजिक्स के। कैसी तैयारी थी आपकी? तैयारी वैसे अच्छी थी, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाई थी। वरना कितने आपने नंबर अनुमान लगाया था, कितने मेरे आ सकते हैं? वरना तो 94 से वो जाने सकते। 94 से वो जाना। क्या नाम आपका? ईशिका। ईशिका कितने परसेंट आए आपके? 90.8। और मैंने आपको बताया था पूरी कतार 90% वाले बच्चों की है और ये पूरी फौज तैयार की है इस स्कूल ने। इस फौज के कर्नल जनरल से भी हम आपको जल्दी मिलाएंगे, पहले फौज से बात कर लेते हैं। फौज ने कितनी तैयारियां की थी? और आपका क्या नाम है? अनुज। अनु? अनुज। अनुज नाम आपका। क्या कहना चाहेंगे परिणाम के बारे में? परिणाम बहुत अच्छा रहा। कैसा लग रहा है आज, क्योंकि शाम स्कूल में पढ़कर और आज आप 90% अंक लेके आए? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। रिजल्ट जब आया तो घरवालों ने कैसा, क्या व्यवहार रहा घरवालों का आपके प्रति? घरवालों का अच्छा व्यवहार नहीं रहा, उम्मीद से कम नंबर आए। कितने उम्मीद की थी आपने? 95। किस विषय में सबसे अच्छी तैयारी थी? पीसीएम में तो अच्छी तैयारी थी, हिंदी इंग्लिश में बहुत कम नंबर आए। नंबर कम आए हैं। आपका क्या नाम है? कैटरीना सोनी। कितने नंबर आए आपके? 90.60। कैसा लगा जब परिणाम आया और किसको आप श्रेय देंगे? मैं, मेरा श्रेय कौशल सर, मनीष सर और कौशल सर को मैं सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने 4-4 बजे तक उठ के मेरे नोट्स बनाए थे और हमें एग्जामिनेशन आइडिया प्रोवाइड करवाई थी और बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया था। टेस्ट वगैरह किस तरीके से होते थे? टेस्ट मतलब डेली होते थे, मतलब कुछ भी हो, आंधी हो, तूफान हो, टेस्ट मतलब अवॉइड नहीं थे। टेस्ट नहीं जाना। हाँ, और ना मनीष सर के ना फर्स्ट ग्रेड एग्जाम थे, बहुत ज़्यादा मतलब टफ तैयारी होती है, उसके बावजूद भी हमारे मैथ में ना मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखा पूरा मतलब, और तुलसीराम सर ने हमें ना टाइम टू टाइम मतलब मोटिवेट करते रहे बहुत ज़्यादा। तुलसीराम सर कौन से? हाँ, तुलसीराम जी से बात कर लेते हैं। तुलसीराम जी का नाम आया है। सर, एक टीचर के लिए गर्व की बात जब होती है, जब बच्चा उनको श्रेय देता है और आज बच्ची आपको श्रेय दे रही है कि अगर ये ना होते तो हमारा ये परिणाम आज नहीं होता, कैसा लग रहा है सर? देखो जी, बच्चे, पहली बात तो हम बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, बाकी मेहनत करवाते हैं तो मेहनत के पीछे बच्चे क्या है कि खुद भी मेहनत करते हैं, तो हमारे श्रेय के साथ बच्चों को भी श्रेय जाता है और स्कूल प्रशासन को भी इसका श्रेय जाता है, क्योंकि वो भी हमें बार बार गाइडेंस करते रहते हैं और जो भी हम मतलब कुछ मांग करते हैं कि हमें इस प्रकार की कोई पाठ्य सामग्री दी जाए ताकि हम बच्चों को तैयारी करवा सके, तो स्कूल प्रशासन का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहता है और बच्चों को भी इसका श्रेय जाता है कि बच्चे उसको कुछ ग्रहण करें और बाकी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कि सर, जब रिजल्ट देखा तब कैसा लगा? सर, मैंने हिंदी कंपलसरी के अंदर मैं 95 से अब वो 10 बच्चों को मान के चल रहा था, लेकिन किन्हीं कारणवश पता नहीं इस बार मार्किंग किस प्रकार की हुई है, तो वो थोड़ा सा उम्मीद से कम नंबर हिंदी कंपलसरी के अंदर मैं मानता हूँ। 95 नंबर से अब वो मान रहा था 10 बच्चों को। मैं जैसे पेपर हुआ, बच्चों ने मेरे को बताया कि सर पेपर इस प्रकार का पेपर हुआ है, तो 95 नंबर मैंने 10 बच्चों के माने थे, लेकिन फिर भी चलो संतोष थोड़ा करना पड़ेगा। जी 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 जी, शुभकामनाएं। क्या बनना है, क्या सपना है आपका? एयरफोर्स में जाने का। सर, अभी तो मेरा जैसे पैर फ्रैक्चर हो रखा है, तो 3 महीने का रेस्ट के बाद, लेकिन बनना एयरफोर्स ही है। पैर टूटो चाहे कुछ टूटो, कोई बात नहीं, पैर सही हो जाएगा। क्या नाम आपका? भावना। कितने नंबर आए? 90.40। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और क्या, किसको आप श्रेय देना चाहेंगे और किस तरीके की आपकी तैयारी थी? ऑल स्टाफ एंड माय पेरेंट्स और स्पेशली भागीरथ सर। भागीरथ सर ने आपके लिए खूब मेहनत की। यस जी, शुभकामनाएं आपको। आपके क्या नाम है? रेखा। रेखा, कितने प्रतिशत आए हैं? 90 प्रतिशत।
कैसी आपकी तैयारी थी और जब परिणाम देखा तो कैसा रिएक्शन था घरवालों और स्कूल का? तैयारी तो बढ़िया थी, जब परिणाम देखा तो थोड़े नर्वस हो गए आप। हाँ। कैसा आज कैसा लग रहा है, सम्मानित किया स्कूल ने, स्कूल में इतना अच्छा माहौल था जिस कारण से इतने परसेंट आए हैं? अब तो अच्छा लग रहा है, पर पहले थोड़ा नहीं लग रहा था, पहले थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। आपका क्या नाम है? सानिया खान। क्या बनना चाहते हैं आप? मेडिकल लाइन में जाना है। मेडिकल लाइन में कितने प्रतिशत आए आपके? 90। और शुभकामनाएं आपको, और कैसा घरवालों ने क्या क्या रिजल्ट देखे? सर घर वालों को बहुत खुशी हुई तई रिजल्ट, पापा ने ऐसा ही माना था कि इतने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे। माता जी ने क्या कहा? मम्मी को भी बहुत खुशी हुई थी रिजल्ट देखा था। आपका क्या नाम है? खुशी। खुशी, कैसा लग रहा है? कॉमर्स से हो आप, कॉमर्स में भी आपने पूरा जलवा दिखाया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किसको आप इसका श्रेय देना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स और टीचर्स को, अलके सर ने बहुत मदद की है। खूब मदद की है। जी। शुभकामनाएं। आप क्या बनना चाहेंगे? आप? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी आप बनना चाहते हैं, चलो शुभकामनाएं आपको। लड़कों की बारी आई है, लास्ट और दो साथी खड़े थे, ये हमारे इंतजार में थे और आप जिसके इंतजार में है और हम जिसके इंतजार में है, हम शेर के इंतजार में। आप शेर करें इस संस्था का जो ये परिणाम आया है, ये फौज है, ये लास्ट दो फौजी बचे हैं हमारे पास। क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहित है, मैं यहाँ पर गार्जियन बनकर आया हूँ। मेरी बहन। आप गार्जियन बन के आए हैं, आप प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, कितने नंबर आए उसके? 90%। 90%। कैसा कैसा तैयारी करती थी वो घर में? तैयारी तो मतलब अच्छी करती, मैं तो बाहर रहता था, मतलब पहले मेरा भी खुद की तैयारी चल रही थी। कहते थे तैयारी करते थे। यस सर। आपका क्या नाम है? आशीष। आप यहीं पढ़ेंगे? आप कौन से साल में पढ़े थे? मैं 2021। कैसा लगा आपको स्कूल में पढ़कर? अच्छा लगता है सर, मतलब सभी सर मतलब इक्वली ध्यान देते हैं कई बच्चे पर, और रमना सर तो मतलब स्पेशल आते थे क्लास में पूछने भी कौन सा अच्छे पढ़ा रहे हैं कौन से नहीं है, रिव्यू लेने आते थे आप। यस सर। और सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन अच्छा रहा है, मतलब आप जिस स्कूल में पढ़े हैं और आज आपकी बहन ने भी 90% अंक हासिल किए, कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है कि मैंने भी मतलब 90+ स्कोर किया और मेरी बहन ने भी 90 है। आशीष। आशीष आप इधर पढ़ते हैं, कितने परसेंट आए आपके? आप भी गार्जियन? बहुत बढ़िया परसेंट आए हैं। बहुत बढ़िया आए हैं। आप कितने प्रतिशत आए हैं? 77। 77। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे साथ यहाँ पे कक्षा 8 के दो बच्चे हैं और ये एक बच्चा प्रोफेसर कालूराम सियाग जी का बच्चा है। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। कितने नंबर आए? कितनी कौन सी ग्रेड आई थी? ए ग्रेड आई थी। आपके पापा ने क्या क्या कहा ए ग्रेड देख के? बढ़िया है, और मेहनत करना। और मेहनत कर। क्या बनना चाहेंगे आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं? आपका क्या नाम? दिव्या। दिव्या। दिव्या नाम है। कितने ए ग्रेड आई है क्या आपकी? यस ए ग्रेड। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किसको श्रेय देंगे ए ग्रेड का? सर टीचर्स को। दसवीं के लिए कैसी तैयारी की है, क्योंकि ए ग्रेड केवल आठवीं के लिए है, अब दसवीं बारहवीं आपके सामने बड़े चैलेंज होंगे, किस तरीके की तैयारी है आपकी? सर अच्छी तैयारी है, टीचर्स और भी अच्छा पढ़ाएंगे तो अच्छी ग्रेड आएगी और भी अच्छे परसेंटेज आएंगे। हमारे साथ अमरनाथ जी मौजूद है और सबसे बड़े अगर इस परिणाम के बारे में चर्चा की जाए तो अमरनाथ जी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। अमरनाथ जी इतनी शानदार फौज, 26 बच्चों के सर 90% से ऊपर अंक, कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़ा समय निकाल करके संस्था में आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी देखो रिजल्ट्स का तो मैं तो 40 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और रिजल्ट्स हर बार ही भगवान की कृपा से, बुजुर्गों की कृपा से, आप सबके मित्रों के सहयोग से बढ़िया आता हर बार ही, और 25-26 बच्चे हर बार 90% क्रॉस करते हैं। बाकी रही टॉपर्स की बात, तो कुछ एक सब्जेक्ट्स में जैसे हिंदी में सर ने बताया था तुलसीराम जी ने कि भी 95 से ऊपर कम से कम 10 बच्चे आने चाहिए थे, वो अपेक्षा के अनुरूप नंबर नहीं आए। पर खैर एग्जामिनर के अलग अलग थिंकिंग होती है, जो दे दिया तो शर्म मान्य है, तो ऑप्शनल का है वो 98% तक बच्चों के आए, वही बच्चों के नंबर कम काम आएंगे, तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे बच्चे पढ़े हुए आगे तक इंजीनियरिंग डॉक्टर, काफ़ी लंबी लाइन है, कभी हम प्रोग्राम करेंगे उन बच्चों को बुलाएंगे, तब आपको आमंत्रित करेंगे हम, और बड़ी खुशी है। सर किस तरीके की तैयारी करवाई जाती थी विद्यालय में बच्चों ने? टीचर्स को श्रेय दिया है और जाहिर सी बात है कि टीचर्स ने काफी बच्चों के लिए। देखो जी बात तो टीचर्स का ही है, हमारे यहाँ जो भी टीचर्स आते हैं वो सभी खुशनुमा रह के काम करते हैं, मतलब एक टीम भावना से काम करते हैं, प्रेशराइज सिस्टम। हाँ मैं भी ये नहीं सोचता हूँ मैं यहाँ का कोई प्रिंसिपल हूँ या कोई मालिक हूँ, इन पे कोई किस प्रकार का दबाव, ऐसा कोई नहीं है। मैं भी कहता हूँ आपके बराबर हूँ, मैं भी अपने मिलकर के काम करेंगे, और मिलकर करते हैं तभी कोई अपने को उपलब्धि प्राप्त होती है। तो ये सबका सहयोग है स्टाफ का, और पूरे स्टाफ ने बड़ी ईमानदारी से लगन से कार्य किया, और इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी स्टाफ को, सभी गार्जियंस को, सभी बच्चों को, कि सब ने सहयोग किया,
तब ये मुकाम पाया है और आपका तो बहुत ही बहुत धन्यवाद है कि बच्चों बच्चे और अभिभावक आपको सुन रहे हैं जो पूर्व में आपसे पढ़े हुए हैं और जो भविष्य में आपसे पढ़ने वाले हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? देखो जी, और ज्यादा प्रयास करेंगे, अभी जैसे प्रयास तो कर रहे हैं, हर नित नए और प्रयोग करेंगे। ये चाहते हैं भगवान से कि अब की बार ज्यादा तो नहीं, 95 से ऊपर मैं चाहता हूँ कि अब 90 से बच्चे इतने आए, अब 95 से ऊपर आए हैं बच्चे, तो ये बड़ी खुशी होगी। ये स्टाफ हमारा मिलकर के ही है कि और मेहनत करेंगे तो और बढ़िया रिजल्ट आएगा। सतपाल जी हमारे साथ है, सतपाल जी क्या कहना चाहेंगे अपने नाम के बारे में? सर ये सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्याम स्कूल जो पिछले 60 ईयर से जो एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहा है, रिजल्ट तो हर बार टॉपर रहा है इस चीज का, और इसके साथ साथ इसमें जो बच्चों की कठिन मेहनत है और श्री अमरनाथ जी गुरु जी का उचित मार्गदर्शन, स्टाफ का जो डेडिकेशन है बच्चों के प्रति और अभिभावकों की जागरूकता, ये सभी कड़ियां मिलकर के बच्चों ने ये आयाम प्राप्त किया है, और इसी तरीके से हमारी मेहनत जारी रहेगी और अपेक्षा करते हैं कि उत्तरोत्तर और अच्छा रिजल्ट बच्चों के लिए का मिलेगा हमें और अच्छी शिक्षा के क्षेत्र में हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, इतना शानदार परिणाम और टोटल परिणाम की बात करें तो सब बच्चों के सर फर्स्ट ग्रेड नंबर आए? बहुत ही सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि अमरनाथ जी का स्नेह जो टीचर्स के प्रति है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो खुद इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, और मेरे ख्याल से यही कारण है कि इतना बढ़िया रिजल्ट रहा है। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में मेरे को लगता है काफ़ी हार्ड मार्किंग हुई है, पता नहीं क्या है, ऑप्शनल्स में नंबर काफ़ी ज़्यादा है, और यही आगे उम्मीद करूँगा कि हिंदी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा और अच्छी तैयारी कराएंगे ताकि 95 से अबव कम से कम 26 बच्चे आए। धन्यवाद। हमारे साथ कौशल जी इस वक्त मौजूद है। कौशल जी क्या पदम जी जी कौशल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। कौशल जी कैसा लग रहा है रिजल्ट को लेकर? अभी बहुत ज्यादा खुशी है, इतने बच्चों के सभी बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं तो काफी अच्छा लग रहा है। जिस दिन परिणाम आया उस दिन कैसी, क्या आपके परिणाम आया उस दिन? सही बताऊं तो मुझे पता नहीं था परिणाम का, लेकिन सर का जैसे फोन आया तो उन्होंने बताया कि परिणाम अच्छा रहा, तो काफी खुशी हुई परिणाम को लेके, तो काफी अच्छा रहा। क्या कहेंगे आप तमाम लोग? सभी सबसे पहले तो मैं संस्था को और श्री अमरनाथ जी शर्मा जो अपने सर हैं, शिव सर जो संस्थापक अपने संभालते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया हमारा। उन्होंने जैसे एक एज ए पेरेंट हमको रखते हैं जैसे, तो काफी मन से काम करने की इच्छा रहती है। और दूसरा सभी अभिभावकों और मैं बच्चों को श्रेय देना चाहूंगा इसका, क्योंकि उन्होंने सभी मेहनत का परिणाम क्या है उन्हीं की वजह से आता है, और सभी अभिभावकगण और शिक्षकगण को भी मैं इसका पात्र मानता हूं, क्योंकि सभी की एक समूह भावना से ही अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। शुभकामनाएं सर आपको। आप देख पा रहे हैं एक तरीके से टीम वर्क, और जैसे शिव जी ने बताया और अध्यापकों ने बताया कि अमरनाथ जी हमारे लिए एक तरीके से परिवार की तरह ये टीम काम करती है, और जहाँ कई स्कूलों में देखने को मिलता है कि स्टाफ के ऊपर रिजल्ट को लेकर प्रेशर रहता है, किंतु यहाँ उससे भी विपरीत बातें हैं। और हम और यहाँ के स्टाफ के सदस्यों से बातचीत करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। और सर इतना शानदार परिणाम आया है, क्या कहना चाहेंगे? तो धन्यवाद गुलशन जी कि आपने हमारे परिणाम के प्रति मीडिया कवरेज प्रदान की। जैसा कि आपने जिक्र करा था परिणाम के बारे में, एक लंबी कतार के बारे में, मैं अवगत करवा देना चाहूंगा कि ये कतार 12वें के परिणाम से कहीं आगे आईएएस आरएएस डॉक्टर इंजीनियर तक जा चुकी है, और उम्मीद है आगे भी जाती रहेगी। इसका सारा का सारा श्रेय एक जाता है इस विद्यालय के माहौल को, जो कि अमरनाथ सर हमें जो है सुरक्षात्मक एक आवरण प्रदान करते हैं, फ्री हैंड देते हैं काम करने के लिए। और उसके अलावा मैं आपको रिजल्ट की समीक्षा प्रदान करना चाहूंगा, जिसमें कि आपने हाईलाइट करा कि 90% से ऊपर जो है वो 26 बच्चों का परिणाम रहा है, जिसमें से एक वाणिज्य वर्ग का और 25 बच्चे विज्ञान वर्ग के हैं। 70% से ऊपर ओवरऑल 137 स्टूडेंट्स हैं, 80% से ऊपर जो हैं वो 63 स्टूडेंट्स हैं, और इसके साथ जो सबसे एक अच्छी बात रही है कि 45 बच्चियों का चयन जो है हमारे गार्गी प्रोत्साहन बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए जो है वो चयन हुआ है। विद्यालय का परिणाम 100% है। उसके अलावा आप गुरुजनों से अवगत हुए, जिसमें आपने देखा कि भौतिक विज्ञान में 3 बच्चों के 100 में से 100,
गणित में 3 बच्चों के 100 में से 100 और बायोलॉजी में 1 बच्चे के 100 में से 100 आए हैं। आश्वस्त करते हैं हम सभी अभिभावकों को कि भविष्य में इसी प्रणाम बल्कि इसी उच्चतर प्रणाम के बारे में जो है नेक्स्ट ईयर आप हमारी कवरेज प्रदान करेंगे। इन सब के अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि श्याम संस्था जो है रेगुलर इंटरवेल पर समय समय पर नई नई इकाई शुरू करती रही है, जो कि एक मिडिल क्लास से शुरू होकर आज स्नातकोत्तर तक जो है महाविद्यालय खोले जा चुके हैं, जहां पर सैकड़ों विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। इसी प्रक्रम में जैसा कि आप वो पोस्टर देख पा रहे होंगे कि फाउंडेशन क्लासेस, श्री श्याम फाउंडेशन क्लासेस के नाम से श्री अमरनाथ सर ने जो है नीट और IIT की तैयारी के लिए शुरुआत करी है, जिसमें हमारे पास बहुत एडमिशन 100 से ऊपर एडमिशन हो चुके हैं और वो भी फिलहाल केवल 1 बैच के हो चुके हैं। तो इसके बारे में मैं आपके माध्यम से गार्डियंस को, इस क्षेत्र के वासियों को अवगत करवाना चाहूँगा कि नीट और IIT की तैयारी के लिए सीकर या कोटा जैसे शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अनुभवी अध्यापक गणों के द्वारा एकदम कोटा ओरिएंटेड, ना कि सीकर ओरिएंटेड, कोटा ओरिएंटेड जो एक फंक्शनैलिटी है उसके बेसिस पे हमने नीट और IIT की तैयारी शुरू करवाई है। बहुत ही हम ये भी प्रदान करेंगे आपको जिसमें हमारे बच्चों का नीट और IIT में सिलेक्शन होगा। तो जो बच्चे सिकर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर जाने की तैयारी में थे उन लोगों के लिए एक और खुशखबरी आ गई है, नीट और IIT की तैयारी अब श्याम एजुकेशन ग्रुप आपको करवाएगा और एक तरीके से आप यहां आकर विजिट कर सकते हैं इस शानदार परिणाम के लिए। श्याम एजुकेशन ग्रुप को शुभकामनाएं और आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जैसा सर ने बताया ये कतार केवल इन टॉपर्स की नहीं थी, ये कतार भविष्य के IAS IPS डॉक्टर्स इंजीनियर्स की कतार है और ये कतार भादरा को भी आकर लेके जाएगी, भादरा के एजुकेशन सेक्टर को भी आकर लेके जाएगी। तो आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और भादरा लाइव की तरफ से श्याम एजुकेशन ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ में भादरा से गुलशन सोनी।